नमस्कार सभी को। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग 20 MCQs डिस्कस करेंगे और ये जो MCQs होने वाले इंडो इस्लामिक चैप्टर से रिलेटेड हैं। और जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो जामिया का हो, चाहे AMU का है, या कोई और कोई भी और कंपटीशन का एग्ज़ाम है, तो उसमें ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 20 क्वेश्चंस हैं, लेकिन हर एक क्वेश्चन जो है उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया। द वर्ड उर्दू इज टेकन फ्रॉम विच लैंग्वेज। तो देखिए, उर्दू जो शब्द है, ठीक है, उर्दू तो एक लैंग्वेज है ही है, लेकिन उर्दू शब्द पूछा गया है कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है अरबिक, गलत है। इसका सही आंसर क्या है? टर्किश इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया ऑथर ऑफ तारीख ए हिंद। अब तारीख ए हिंद किसने लिखी है? तो तारीख ए हिंद जो है अल बरूनी ने लिखी है। अल बरूनी किसके साथ में आया था, ये भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, तो मोहम्मद गजनवी के साथ में आया था। ठीक है, तो इसने क्या लिखी है? तारीख ए हिंद इसने लिखी है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया हु बिल्ट मोती मस्जिद इन रेड फोर्ट आगरा। ठीक है, फोर्ट है रेड फोर्ट आगरा। अब देखिए, रेड फोर्ट आगरा की जब बात करी जाएगी, मोती मस्जिद जो है आगरा में किसने बनवाई है, रेड फोर्ट के आगरा में किसने बनवाई, तो ये शाहजहां ने बनवाई है। ठीक है, मोती मस्जिद एक और है, कहाँ पर है? दिल्ली में है। ठीक है, एक क्वेश्चन भी आगे आपको मिलेगा, तो दिल्ली में भी याद रखिएगा किसने बनवाई थी, तो औरंगजेब ने बनवाई है। ठीक है, औरंगजेब ने कहाँ बनवाई? दिल्ली में। और मोती मस्जिद जो रेड फोर्ट के अंदर बनी है आगरा में, वो किसने बनवाई है? वो बनवाई है किसने? शाहजहां ने। ठीक है, रेड फोर्ट लेकिन किसने बनवाया है, जो आगरा का रेड फोर्ट है वो किसने बनवाया है? ये बनवाया है अकबर ने। ठीक है, लेकिन दिल्ली का रेड फोर्ट जो है वो अलग है। ठीक है, दिल्ली का जो रेड फोर्ट है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि दिल्ली का जो रेड फोर्ट है ये किसने बनवाया है। ठीक है, अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सर सैयद अहमद खान फाउंडेड अ स्कूल एट गाजीपुर नाउ अ डेज कॉल्ड। देखिए, सैयद अहमद खान जी ने क्या किया था, एक गाजीपुर में एक स्कूल खुलवाया था, उसका अब नाम क्या हो गया? क्वीन विक्टोरिया कॉलेज उसका नाम हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, हु लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ठीक है, तो ये जो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है, इसको आज क्या कहा जाता है? तो AMU कहा जाता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नाम से इसको जाना जाता है। अब इसका फाउंडेशन स्टोन किसने रखा था? तो सर सैयद अहमद खान जी ने इसको, मतलब एक तरीके से फाउंड किया था। नेशनल फ्लैग वॉज अडॉप्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन। तो भारत का जो नेशनल फ्लैग है, जिसको तिरंगा भी कहते हैं, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में किस दिन अडॉप्ट हुआ था? तो 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट हुआ था। तो इसमें ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगले पे आते हैं, 7th क्वेश्चन में कहा गया था पोएटिक नेम ऑफ सिकंदर लोदी वॉज। तो सिकंदर लोदी जो क्योंकि ये क्या करता था, गजल वजल लिखता था, कविताएं लिखता था, एक नाम से लिखता था जिसको पोएटिक नेम कहते हैं, तो गुलरुखी नाम से लिखता था। किस नाम से? गुलरुखी नाम से लिखता था, ये यहाँ पर आई होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, हु इंट्रोड्यूस्ड नवरोज फेस्टिवल ऑफ ईरान इनटू इंडिया। अब देखिए, नवरोज फेस्टिवल जो है किसका है? ईरानियों का फेस्टिवल है। इसको इंट्रोड्यूस किया था भारत में, किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो बलबन ने इंट्रोड्यूस किया था। तो सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया बाबर रोट हिज ऑटोबायोग्राफी एंटाइटल्ड। अब देखिए, बाबर की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम क्या है? तो वह है बाबरनामा। ठीक है, बाबरनामा है। ठीक है, अगले पे आते हैं, अगले में देखिए क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, हुमायूं टॉम्ब इज सिचुएटेड एट। अब देखिए, हुमायूं का जो टॉम्ब है, एक तरीके से ताजमहल की तरह ही लगता है। ठीक है, ये कहाँ पर लोकेटेड है? दिल्ली में लोकेटेड है। तो सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया आमिर खुसरो इन्वेंटेड विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। देखिए, आमिर खुसरो ने मेनली, अगर आप देखेंगे, दो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन्वेंट किए थे, एक सितार किया था और दूसरा तबला किया था। अब जो भी ऑप्शन आपको दिया हो, आप यहाँ पे टिक लगा लीजिएगा, सितार दिया है, तबला नहीं दिया है, तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, हु ट्रांसलेटेड नल दमयंती इंटू पर्शियन फ्रॉम संस्कृत। अब देखिए, नल दमयंती है कहाँ पर? तो ये महाभारत की एक कहानी है। ठीक है, महाभारत की एक कहानी है। अब बताना है, ये संस्कृत में तो है, लेकिन इसको पर्शियन में किसने ट्रांसलेट किया है? तो फैजी ने इसको ट्रांसलेट किया है। तो इसमें बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, 13th क्वेश्चन जो है ये मैच द कॉलम से रिलेटेड है। देखिए, आपको कुछ यहाँ पर जगह दी गई हैं, जैसे जौनपुर हो गया, हैदराबाद हो गया, आगरा हो गया, फतेहपुर सीकरी हो गई, और फिर राइट साइड में आप देख सकते हैं फाउंडर्स के नाम लिखे हैं, आपको मैच करना है। देखिए, बहुत आसान है। ठीक है, जौनपुर को किसने किया था, जौनपुर को बनवाया था किसने, एक तरीके से नामकरण जौनपुर को बनवाया है फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, और किसकी याद में? तो मोहम्मद बिन तुगलक की याद में
बनवाया था, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, अब मोहम्मद बिन तुगलक को और क्या कहा जाता था, जौना खान भी कहा जाता था, जौना खान भी कहा जाता, तो यहीं से आ गया जौनपुर। ठीक है, हैदराबाद मुर्शीद कुली खान, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगरा पता ही होगा, आगरा क्या है, आगरा अगर आप देखेंगे तो आगरा को अकबर से ना मैच करिएगा, आगरा को आप मैच करेंगे सिकंदर लोदी से। और फतेहपुर जो है वो किसने, फतेहपुर सीकरी जो है ये अकबर ने इसको फाउंड किया है। तो इस तरीके से मैच हो जाएगा, अब आप नीचे से ऑप्शन देख के बता सकते हैं कौन सा सही होगा। हु रोट कितने पाकिस्तान, अब देखिए कितने पाकिस्तान जो है ये किताब किसने लिखी है ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये कमलेश्वर जी ने लिखी है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। हु कंपोज सारे जहां से अच्छा, देखिए आपने गाना जरूर सुना होगा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, तो ये किसने लिखा है, मोहम्मद इकबाल ने लिखा है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16th पे आते हैं, इसमें कहा गया हु वॉज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी इन इंडिया। अब देखिए स्लेव डायनेस्टी का एक और नाम है इलबरी डायनेस्टी भी कहते हैं इसको, ठीक है इलबरी डायनेस्टी भी इसको कहते हैं, तो आपको बताना है जो इलबरी डायनेस्टी है जो स्लेव डायनेस्टी है उसको फाउंड किसने किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक उसका फाउंडर है, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन आता है, इल्तुतमिश आता है। ठीक है, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के बारे में क्योंकि एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ही क्या कहा जाता है, स्लेव ऑफ स्लेव्स कहा जाता है, स्लेव ऑफ स्लेव्स कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जितने भी यहाँ पर आप रूलर्स देखेंगे किसी ना किसी के स्लेव हुआ करते थे, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक किसका स्लेव था, तो मोहम्मद गोरी का स्लेव था, इसीलिए जो इस डायनेस्टी का क्या नाम रखा गया, स्लेव डायनेस्टी इसका नाम रखा गया। ठीक है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बिलोंग टू विच सूफी ऑर्डर, अब देखिए सूफिज्म आपने पढ़ा होगा, सूफिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताना है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो हैं, अच्छा इनकी याद में क्या बनाया गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक, तो बख्तियार काकी के अगर उस पर देखा जाए याद में क्या बनवाया गया था, तो कुतुब मीनार बनवाया गया था। ठीक है, कुतुब मीनार याद रखिएगा, दिल्ली का जो है इन्हीं की याद में बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये किस सूफी ऑर्डर से हैं, तो ये चिश्ती सूफी ऑर्डर से हैं, चिश्तिया कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया मोती मस्जिद ऑफ रेड फोर्ट दिल्ली, अब देखिए मोती मस्जिद जो है रेड फोर्ट दिल्ली का ये किसने बनवाया था, ये आपको यहाँ पर बताना है, तो दिल्ली का आपको बताया भी हमने औरंगजेब ने बनवाया था, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले पे आते हैं, अ ग्रेट स्कूल ऑफ इस्लामिक लर्निंग दारुल उलूम देवबंद, ठीक है ये किसने फाउंड किया था, ये किसने फाउंड किया था, फाउंड किया था मोहम्मद कासिम नौतनवी। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा गया द ऑथर ऑफ अल हिलाल एंड अल बेलग वॉज डैश, चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि अल हिलाल बहुत इंपॉर्टेंट जो किताब है उसका जो राइटर है उसके राइटर कौन है। ठीक है, इन्होंने इंडिपेंडेंस मूवमेंट में बहुत ही बड़ा योगदान दिया है, इसका आप लोग इनका आप लोग नाम कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। तो अभी के लिए फिलहाल नहीं रखते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे एमसीक्यूज हैं जो हम लोग के प्लेलिस्ट में पड़े हैं, उसको आप देख के अपना रिविजन अच्छे से कर सकते हैं और अपनी तैयारी को फ्रूटफुल डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।